अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वे टेक्नोलॉजी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड हाउ बिगिनर्स डन बाय सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग बिगिनर किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, वो उसका आज के दौर में ना बहुत ज्यादा ट्रेंड चल चुका है। पहले पहले जब टाइम था तो लोग जो थे वो अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को जो थे ना प्रमोट करते थे बैनर्स के थ्रू, ब्रोशर के थ्रू, फ्लायर के थ्रू, ठीक है। लेकिन आज का दौर जो है ना वो बदल चुका है। आज का दौर है डिजिटलाइज। आज के दौर में लोग अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को जो है ना वो लोगों को तक पहुंचाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करके। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में किन किन ऐप्स को यूज करके आप जो है अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, उसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है और टिकटॉक है। लेकिन मोस्टली जो ज्यादातर लोग जो है ना अपनी ब्रांड की अवेयरनेस के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट का ज्यादातर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स मूव टूवर्ड वीडियो। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज है? सोशल मीडिया इज बेसिकली इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स क्विकली कम्युनिकेट विद द पीपल एंड शेयर द कंटेंट। सोशल मीडिया जो है ना वो आजकल हर बंदा यूज कर रहा है। फेसबुक पे हर बंदे का अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे हर बंदे का अकाउंट है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाते हैं थ्रू सोशली, ठीक है। तो ये जो सोशल मीडिया, ये कम्युनिकेशन वे भी आप कह सकते हैं कि आप लोगों को थ्रू कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के आप लोगों को बताते हैं कि भाई मेरा ब्रांड क्या है, मेरा बिजनेस क्या है। इससे क्या होता है, आपका बिजनेस जो है ना वो ग्रो करता है। आप अपना कंटेंट जो है ना वो शेयर करते हैं अपने सोशल अकाउंट्स पे, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, वो था सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग वेबसाइट ट्रैफिक। सपोज अगर आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आपका कोई चैनल है तो आप जो है ना वो सोशल अकाउंट्स पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे पेज बनाकर क्या करते हैं, ट्रैफिक लेकर आते हैं। तो ट्रैफिक वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए, चैनल की ट्रैफिक के लिए या आपका कोई भी बिजनेस है ना उस पर आप ट्रैफिक लेकर आने के लिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। तो उसमें एंगेजमेंट, ब्रांड अवेयरनेस एंड अदर मार्केटिंग गोल्स बाय क्रिएटिंग वेरियस फॉर्म ऑफ कंटेंट फॉर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का मकसद यही है कि आप जो है अपने चैनल पे, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आए, एंगेजमेंट, लोगों की एंगेजमेंट ज्यादा हो, आपके ब्रांड की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, इसमें टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स दैट कैन गो वायरल, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि टेक्स्ट वीडियो के बारे में क्या बात कही है, ठीक है। अब तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपका बेनिफिट क्या है? एक तो ये कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी। मैंने आपको पहले बताया कि फ्रीलांसिंग के अंदर जो है ना आपको टू वे जो है ना वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आपने की स्किल गेन कर ली है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो अगर आपका कोई अपना चैनल है या फिर अपनी वेबसाइट है तो आप खुद भी जो है ना वो सोशल अकाउंट्स क्रिएट करके अपने चैनल पे, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। ये तो क्योंकि आपके पास स्किल है ना, तो आप या तो इसको अपने बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं स्किल को, या फिर आपको मैंने बताया था फाइवर और अपवर्क, ये दो ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस है। आप यहाँ पे अपनी स्किल जो है ना वो सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से ये आपके लिए फ्रीलांसिंग दो वे हुई, एक तो अपने बिजनेस के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूसरे क्लाइंट्स का काम करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट सोशल मीडिया मार्केटिंग में, वेबसाइट ट्रैफिक, आप वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आते हैं, आपको इसका फायदा ये है। लीड्स मतलब ये आप डाटा कलेक्शन आप करते हैं, ठीक है। सेल्स, देयर दीज आर द थ्री मेजर गोल्स ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। गूगल रैंकिंग, जब आपकी जो वेबसाइट है या फिर आपका चैनल है जब उस पर ट्रैफिक आती है, लोगों की एंगेजमेंट होती है, तो आप क्या होता है कि गूगल के एल्गोरिथम में आपकी रैंकिंग होती है, आपकी एससीओ होती है, ठीक है। और एक्सपोजर और फैन बेस, बहुत से लोग जो है ना आपके ब्रांड के जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा लोग जो है ना आपके ब्रांड को पसंद करते हैं, आपके फैन फॉलोइंग जो है ना सोशल अकाउंट्स पे ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और ब्रांडिंग प्रमोट, जाहिर बात है आपका जो ब्रांड है, लाइक जिस तरह का आपका कोई ब्रांड है, कोई कपड़ों का है या खाने पीने का है, तो अपने ब्रांड के पिक्चर्स, अपने ब्रांड की वीडियोज जो है ना अपने सोशल अकाउंट्स पे जो है वो शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके जो फैंस होते हैं ना वो आपको फॉलो करते हैं आपके अकाउंट से, जिससे क्या होता है आपका जो अकाउंट होता है वो ग्रो करता है और आपका जो बिजनेस होता है वो भी ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं फेसबुक। अब मैंने आपको बताया कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में कौन कौन सी एप्स के थ्रू जो है ना वो आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। एक फेसबुक है, एक इंस्टाग्राम और एक पिंटरेस्ट है। तो फेसबुक जो है एवरेज मंथली एक्टिव यूजर जो है ना फेसबुक पर 2.27 बिलियन एक्टिव यूजर्स है फेसबुक के ऊपर, ठीक है। 88% ऑफ ऑल द यूजर आर ऑन मोबाइल, ज्यादातर फेसबुक जो है ना लोग मोबाइल पे ही यूज करते हैं, ठीक है। 62% ऑफ सीनियर्स ऑनलाइन आर एज 65 प्लस ऑन फेसबुक, मतलब कि ज्यादातर 62 डाटा जो हमने कलेक्ट किया फेसबुक के बारे में, तो 65 प्लस जो है ना वो यूजर्स जिनकी एज 65 प्लस है वो ज्यादातर वो फेसबुक यूज करते हैं।
35% यूजर्स ऑफ द ऑडियंस आर बिलो द एज 25। ज्यादातर जो 62 जो है वो 65 एज प्लस वाले यूज करते हैं फेसबुक, और 35 वो यूजर्स हैं जिनकी एज जो है ना वो 25 से कम है, और 53% आर फीमेल्स एंड 47% आर मेल्स। ये मैंने रफ डाटा जो कलेक्ट किया है फेसबुक के बारे में कि कौन कौन से लोग जो हैं वो फेसबुक यूज करते हैं जेंडर के हिसाब से और एज के हिसाब से। ठीक है, आइए इसका भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है कि इस आपने देखना होता है कि आपका जो ब्रांड है वो किन किन आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, ये भी चीज बहुत मैटर करती है फेसबुक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। 32% ऑफ ऑल द इंटरनेट यूजर आर ऑन द इंस्टाग्राम। ठीक है, 32% जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो ऑडियंस जो है इंस्टाग्राम यूज करती है। एवरेज नंबर ऑफ मंथली यूजर ऑन द इंस्टाग्राम इज लाइक 1 बिलियन एवरेज मंथली यूजर जो है इंस्टाग्राम को यूज करता है। 65% ऑफ ऑल द इंस्टाग्राम यूजर्स आर द वुमेन। ज्यादातर जो इंस्टाग्राम यूज करती है वो वुमेन्स यूज करती है। 59% ऑफ द ऑडियंस इज बिटवीन द 18-29 एज के दरमियान जो है इंस्टाग्राम यूज करती है। मैंने आपको बताया फेसबुक ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं जिनकी एज जो है 65 से अबव है, और वो लोग यूज करते हैं जिनकी एज जो है बिलो 25 है, लेकिन इंस्टाग्राम ज्यादातर यंगस्टर्स होते हैं ना वो ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये है कि अब आपका काम है कि आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया के लिए ऐप्स कौन कौन सी है वो मैंने आपको बताया। अब आपका 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 ये है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अब आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी जो ना दो तरीकों से होती है, एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है, और एक होती है पेड। ऑर्गेनिक में ये होता है कि आपने जो है ना वो सोशल अकाउंट से ना नेचुरल ट्रैफिक जो है ना वो अपने अपने जो है ना अकाउंट्स पर लेकर आनी है, उसको हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग या ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो एक पेड होती है कि उसमें आपने पेमेंट करके मतलब कि एड्स वगैरह चलाकर आपने ना अपने सोशल अकाउंट्स को जो ना ग्रो करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यू विल डेवलप अ कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर द कस्टमर दैट यू आर गोइंग टू पोस्ट ऑन देयर नेटवर्क। ठीक है, आपने क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है। इसके बारे में आपको बताती हूँ कि आपने जो ना आपने कंटेंट किस तरह से क्रिएट करना है और आपने अपनी ऑडियंस को किस तरह से एंगेज करना है। मेजर द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच पोस्ट। आपने देखना है कि आपकी पोस्ट के ऊपर कितने लाइक्स आ रहे हैं, अगर कोई आपने पोस्ट शेयर की है आपकी पोस्ट पर कितने लाइक्स आ रहे हैं। ठीक है, आपकी पोस्ट पर कितने ज्यादा लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और इसके अलावा आपका जो प्रोडक्ट है या आपका कोई ब्रांड है, कोई आपकी कोई मतलब कि कोई ब्रांड की कोई है अवेयरनेस या आपका कोई प्रोडक्ट है तो कितने लोग जो है ना आपके प्रोडक्ट्स को जो है पसंद कर रहे हैं और जो है ना वो लोग जो है ना वो उसको खरीद रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स को आपके सोशल अकाउंट से। ठीक है, तो आपने चेक करनी है मेजर प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच पोस्ट। नेक्स्ट, ट्राई टू एंगेज विद फॉलोअर्स टू इंक्रीज एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया पेजेस। आपने क्या करना है कि आपने अपने फॉलोअर्स की एंगेजमेंट जो है ना वो बढ़ानी है। किस तरह सोशल मीडिया पेजेस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट के अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, और लोगों को किस तरह से एंगेज करना है। नेक्स्ट, कीप स्केड्यूलिंग द पोस्ट ऑन डेली बेसिस। आपने आपने कोशिश करनी है कि आपने पोस्ट जो है ना वो डेली अपलोड करनी है। 2-3 पोस्ट आपने दिन के टाइम पोस्ट करनी है और 2-3 पोस्ट आपने नाइट में पोस्ट करनी है। ठीक है, और आप पोस्ट की स्केड्यूलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रांड अवेयरनेस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया मैनेजर। आपने ब्रांड अवेयरनेस, सही बात है, अगर कोई आपका बिजनेस है लाइक कपड़ों का कोई बिजनेस है या फिर कोई खाने पीने का कोई आपका बिजनेस है तो वो आपका ब्रांड है। ठीक है, तो आपने लोगों तक ब्रांड अवेयरनेस पहुंचाने की भाई मेरा ब्रांड ये है, इसमें ये क्वालिटीज है, मेरे ये प्रोडक्ट्स है, तो वो जो है आपने ये सोशल मीडिया मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप ये काम फाइवर पे भी कर रहे हैं और अपर पे भी कर रहे हैं तो आपकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं आपको बता रही हूँ जो आपने करनी है जब आप अपने क्लाइंट्स का अकाउंट जो है ना हैंडल करते हैं। नेक्स्ट, कॉल टू एक्शन पोस्ट टू जनरेट सेल फॉर ए कस्टमर। आपने हर पोस्ट के अंदर ना कॉल टू एक्शन नहीं करना, मतलब कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि आपने हर पोस्ट में ये नहीं कहना कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है इसको आप जो है ना इसको खरीदे। आपने लोगों को फोर्स नहीं करना इस चीज के लिए कि आप मेरा जो ये प्रोडक्ट है तो इसको आप जो है ना लाजमी बाय करें। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपने एक दो पोस्ट के बाद जो है ना वो आप कॉल टू एक्शन जो है ना वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, पोस्ट कंसिस्ट हो। आपकी जो पोस्ट है ना जब सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो उसमें पोस्ट होती है वो उसमें कैप्शन कॉपी आती है, वियल कॉपी आती है और हैशटैग आती है। ये चीज, ये तीनों चीजें जो है ना वो आपने लाजमी डालनी है जब अपनी पोस्ट जो है आप बनाएंगे। ठीक है, इसकी ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको बताती हूँ विद एग्जाम्पल कि आपने किस तरह से लाइक जिस तरह अभी आपके सामने ये ब्रांड है कोको कोला का। ठीक है, कोको कोला का एक ब्रांड है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, ये जो है रियल मैजिक इज हैविंग ट्रीट नाइट्स विद योर फैमिली। अब ये क्या, ये कैप्शन है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपने एक अट्रैक्टिव सा कैप्शन लिखना है जब भी आपने अपनी पोस्ट बनानी है, जिस तरह अभी आपके सामने मैंने आपको बताया था। मैंने आपको क्या बताया था इस बारे में, इसके बारे में कि कैप्शन कॉपी, आपने एक कैप्शन
एक राइट करना है, ठीक है, वियल कॉपी प्लस वियल इमेजेस वीडियो। अब आपने क्या करना है, एक आप सीक्वेंस आपका इस तरह होना चाहिए कि आपने एक एक जो है वो कैप्शन लिखना है, उसके बाद आपकी कोई पोस्ट है, कोई इमेज है या वीडियो है या कोई जीआईएफ है या कुछ एनिमेशन है वो आपने ऐड करनी है, उसके बाद आपने हैशटैग डालना है। ये तरीका है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जब आप पोस्ट जो है वो अपलोड करने लगते हैं सोशल अकाउंट्स पे। तो अब आपके सामने सीक्वेंस है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कैप्शन है, ठीक है, और ये आपके पास हैशटैग है, और ये आपके पास क्या है, ये वीडियो है, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है कि आपने इस तरह से पोस्ट है ना इंगेज, और आपका कैप्शन जो है ना वो इंगेजिंग होना चाहिए। आपका कैप्शन इस तरह का होना चाहिए कि लोग जो है ना आपका कैप्शन देख के ना आपकी पोस्ट को लाइक भी करें, उस पर कमेंट भी करें, ठीक है। अब आपके सामने ये है, चिकन स्टीक विद मैश पोटैटो इज वन ऑफ द फैंसी प्लेटर परफेक्ट टू फिल योर एपेटाइट, एड अ मैजिकल ट्विस्ट ऑफ कोको कोला टू दिस सुप्रीमली टेस्टफुल मील एंड एक्सपीरियंस दैट रियल मैजिक ऑफ ईटिंग टुगेदर, ठीक है। अब आपके पास इन्होंने एक बड़ा एक जो है ना अट्रैक्टिव सा ना कैप्शन लिखा हुआ है, तो आप कोशिश करें जब भी कोई पोस्ट ऐड करें तो उसके अंदर आपने कैप्शन ऐड करना है और आपने हैशटैग पुट करने हैं और आपकी ये वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इस तरह बाकी काफी ब्रांड्स को ओपन करके देख सकते हैं कि वो किस तरह से ना अपना कैप्शन लिखते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि कैप्शन किस तरह से लिखना है, तो आप हमेशा ट्राई करें अपने कंपेटिटर को देखें कि आपका कंपेटिटर किस तरह से कैप्शन लिख रहा है, तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव हम करते हैं हैशटैग की तरफ। हैशटैग का बहुत अहम रोल है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपका यूट्यूब का चाहे चैनल है चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हैशटैग का बहुत अहम रोल है। जब आप हैशटैग ये पुट करते हैं ना, तो हैशटैग से क्या होता है, जब आप कोई हैशटैग पुट करते हैं ना, तो कोई भी व्यूअर्स जो है वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम कुछ भी लिखते हैं ना, तो आप जब कोई हैशटैग आपने पुट किया हुआ ना, तो वो आपके हैशटैग से ही वो आपके अकाउंट तक पहुंचेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हैशटैग आपने किस तरह से ना डालने हैं। तो आपके सामने ये आपको नजर आ रही है, इनका ये वीडियो है जो इन्होंने वीडियो पुट की हुई है, ठीक है। साथ साथ मूव करते जाए तो ये है, ये कैप्शन लिखा हुआ है, साथ में इन्होंने कैप्शन जो है ना कुछ हैशटैग जो है ना वो पुट किए हुए, ठीक है। ये इन्होंने कैप्शन लिखा हुआ है और साथ में इन्होंने हैशटैग जो है ना वो पुट किए हुए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपने पोस्ट जब सोशल अकाउंट में पोस्ट करनी है तो आपने किस तरह से पोस्ट करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कैप्शन लिखना है, ठीक है, आपने जो है वो वीडियो इमेज वो डालनी है और हैशटैग पुट करने हैं सोशल अकाउंट्स के लिए, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।